अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं आज एक नई रेसिपी बना रही हूँ जो है दम आलू। दम आलू बोलते हैं आँखे वाले आलू। ये बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है इसकी सब्जी। तो आप ज़रूर मेरे व्लॉग में जुड़े रहना और मैं कैसे कैसे बनाती हूँ ज़रूर देखना। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया, थोड़ा सा भी पसंद आया, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मुझे थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ आधा केजी उतने आलू, मतलब पटाटो। उसे अच्छे से छील ली हूँ। मीडियम साइज़ के चाहिए, तो बहुत बड़े नहीं चाहिए, बहुत छोटे भी नहीं चाहिए, मीडियम साइज़ के चाहिए आलू। तो मैं उसे अच्छे से छील ली हूँ और एक चमची की मदद से उसके अंदर छोटे 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 रोजन कर दी हूँ, क्योंकि उसमें मसाला अच्छे से घुसे। तो मैं यहाँ पे आलू को धो के भी रख दी हूँ। इसमें डालने के लिए सामान, इसमें नारियल गिरेल कुछ नहीं जाएगा। दही रहे तो बहुत बढ़िया बनती है, मेरे घर में दही नहीं था इसीलिए मैं टमाटो ली हूँ। तो टमाटो मैं 3 टमाटो ली हूँ और 2 प्याज ली हूँ, अदरक ली हूँ, लहसुन ली हूँ, कोतमीर ली हूँ, इतना ली हूँ। और धनिया, मेरे घर में धनिया नहीं था, धनिया का आटा, तो मैं इसमें धनिया डाल दी हूँ थोड़े बहुत। तो अगर आपके घर में धनिया का पाउडर है तो आप ज़रूर धनिया का पाउडर डाल दीजिए। मेरे घर में धनिया का पाउडर नहीं था, तो मेरे घर में अक्खे धनिया थे, तो मैंने अक्खे धनिया डाल दी हूँ। तो इसको पीस के रख लेंगे अभी अच्छे से। मैं यहाँ पे लाल मिर्ची का इस्तेमाल करूँगी, इसीलिए मैं इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली हूँ। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे व्लॉग में। अब मैं मिक्सी में पीस के रख दूंगी अच्छे से, और साथ ही साथ में तो देख लीजिए यहाँ पे मसाला भी पीस के रेडी करके रखी हूँ, और चूल्हे पे कढ़ाई भी मैं रख दी हूँ। तो मैंने कढ़ाई को चढ़ा ली हूँ और मसाला देख लीजिए यहाँ पे पीस दी हूँ। अभी है ना ये आलू को फ्राई करेंगे। तेल थोड़ा ज्यादा जाएगा। तो देख लीजिए फ्रेंड, मैंने आलू को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। आलू को फ्राई करने से क्या होता है, मुलायम बनते हैं आलू और टेस्टी बनते हैं। अब इसी टाइम में है ना थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे, क्योंकि कलर के लिए ऑप्शन है, कलर के लिए डालते हैं हल्दी, मतलब आलू थोड़ा येलो कलर में आ जाए इसीलिए। तो ये सालन है ना, मैं भी यूट्यूब में ही देखी थी एक बार, जब मैं यूट्यूब नहीं बना रही थी तभी। तो बना के मैं एक बार बनाई थी तो आहिल के पापा को बहुत पसंद आए थे। ये दूसरे मर्तबा मैं बनाई हूँ तो बहुत टेस्टी बनते हैं। इसमें मैं डाली थी सूखे मसाले में मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा गरम मसाला, मैं इतना डाली थी। और यहाँ पे साथ ही साथ में देख लीजिए मुहर्रम का जो यहाँ पे ये हो रहा था ना, कल कत्ल की रात थी, तो सभी औरतें आदमी लोग सभी जाते हैं, हालांकि मैं भी जाके आई थी रात के 10 बजे तक, 10 बजे में। और यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है, उसका भी वीडियो मैं वहाँ से शूट करके लाई हूँ, वो भी मैं डाल दूँगी कल। तो देख लीजिए साथ ही साथ में आलू भी अच्छे से बॉयल ये हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। हमें थोड़ा कलर चेंज हुए तक फ्राई करना चाहिए, ना कि जला रहे तक ऐसा। तो अच्छे से फ्राई हुए हैं, वही तेल में उठा के मैं मसाला डाल दूंगी, जो प्याज टमाटो पीस के रखी थी ना मैं, अदरक लहसुन। ओ तो देख लीजिए यहाँ पे डाल दी हूँ मैं, है ना, एक ग्रेवी, पतली वाली ग्रेवी नहीं करूँगी, थिक ही रखूँगी। आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। तो टेस्ट के अनुसार नमक भी डाल दी हूँ, और इसका कच्चापन गए तक मैं थोड़ा धीमी आंच पे रखी थी। तो यहाँ पे देख लीजिए मसाले में से तेल छूटने लगा है ना, तो अभी मैं डाल दूंगी इसमें आलू। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं डाल दी हूँ आलू को। आलू डालने के बाद फिर से 5 मिनट तक धीमी आंच पे रख देंगे, क्योंकि मसाला अच्छे से अब्जर्व हो जाएगा आलू में। तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन के आई है ना।
अभी इस टाइम है ना जो मिक्सी में हम मसाला पीसे थे वो धो के डाल देंगे, क्योंकि आलू गलने में टाइम लगता है और आलू है ना मसाले का अब्जर्व करता है, इसीलिए आप जितने क्वांटिटी में आपको पानी चाहिए वो डाल के रख देंगे। तो मुझे ज़्यादा पानी वाला ग्रेवी नहीं चाहिए था तो मैं थोड़ा भी डाली थी। तो यहाँ पे देख लीजिए आलू अच्छे से ग्रेवी पक चुकी है और आलू भी थोड़े बहुत पके थे और अभी आधे बहुत कच्चे हैं ना, इसीलिए अभी 5 मिनट का इसे टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा जोर आँच रख के पकाए तो दाग लगने का चांस रहता है, इसीलिए स्लो में पकाइए। इसे कितना हम स्लो में पकाएंगे उतनी अच्छी और उतनी टेस्टी बन के आती है। मैं इसी टाइम ही कोथिंबीर डाल के और 5 मिनट के लिए ढक के रख दी थी। तो देख लीजिए 5-10 मिनट के बाद फिर से खोल के देखी तो माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बने थे, आलू भी बने अच्छे बने थे और हमारी ग्रेवी भी बहुत टेस्टी बनी थी। सॉरी। तो आलू भी अच्छे से गल चुके थे और एक एक आलू में मसाला भी उतना ही अच्छा लगा बन गया था। ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी भी बनता है। अगर आप नॉनवेज है गोश्त नहीं खाते हो तो ज़रूर आलू ऐसा बना के खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर ली हूँ और इसके साथ में रेडीमेड पराठे लेके आए थे अहिल के पापा, मतलब चपाती नहीं करी थी, रेडीमेड लेके आए थे। तो मैं तेल बिना तेल के करती हूँ, पराठा सेकती हूँ, मैं तेल नहीं लगाती। हालांकि इसमें पहले से ही घी क्या डालडा क्या मालूम नहीं मिक्स हुए जैसा रहता है, इसीलिए मैं तवे पे ऐसे ही गर्म कर लेती हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे आही के पापा की मैंने प्लेट लगा दी थी, उनकी नाइट ड्यूटी थी तो माशाल्लाह कितनी अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं करी थी मैं, सूखा रखी थी। ये पराठे के साथ भी अच्छा लगता है और चावल के साथ भी अच्छा लगता है। मुझे पराठा चाबने में बहुत तकलीफ हो रही थी तो मैं चावल खाई थी इसके साथ में, लेकिन आही के पापा पहला निवाला मुझे खिलाते हैं कभी कभी। तो वही मैं वीडियो बनाने के लिए वहीं पर रुकी थी तो वो मुझे पहला निवाला खिलाए माशाल्लाह, तो बहुत टेस्टी बना था। थोड़ा सा तीखा हुआ था, आपको तीखा पसंद है तो तीखा करके खा सकते हैं, हम थोड़ा तीखा कम खाते हैं तो हमें तीखा लग रहा था। तो ये है आलू की सब्जी, बहुत टेस्टी बनी। आलू का बहुत टाइप का बनाते हैं ना, आप भी एक बार ऐसा बना के ज़रूर खाना। और अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना और आगे से आगे ले जाने की कोशिश करना। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आते रहूँगी और मैं मेहनत करते रहूँगी, मुझे पता है एक दिन मेहनत का फल ज़रूर रंग लाएगा। तो कल एक अच्छे से व्लॉग में मैं मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखना। इस बारिश के मौसम में ज़्यादा बाहर घूमने घूमने मत जाना क्योंकि वायरस अभी फैल रहा है, क्योंकि मैं तकलीफ़ से गुजरी हूँ, मुझे पता है कितनी तकलीफ़ होती है। तो ज़रूर आप अपना ख्याल रखिए और अपने घर में छोटे बच्चे हैं तो ख़ास करके छोटे बच्चों का ख्याल रखिए, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी अटैक कर रहा है ये फीवर। तो आपको मेरी सब्ज़ी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताना और एक बार ज़रूर ट्राई करना है ये सब्ज़ी। आलू का हर एक टाइप का भाजी खाते रहते हैं, ये भी एक बार भाजी बना के सब्ज़ी बना के खा लेना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।